हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉगिन स्टडी फॉर। तो जैसा कि देखिए, आप सभी को पता होगा, आप सभी के लिए रेगुलर यहाँ पे क्लासेज चल रही है और ये सेशन जो कि BSTC स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम रेगुलर डिस्कस करते हैं शाम को 8 बजे राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया जल्दी से जल्दी एक बार सेशन को लाइक करके आप सभी के दोस्तों के पास में इस क्लास को पहुंचाने का कार्य कीजिएगा। सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। चलिए देखिए दोस्तों, शुरू करेंगे अपना सेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं हमेशा की तरह, सभी को लास्ट तक इस क्लास को देखना है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर हम चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना। तो चलिए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक बार जल्दी से देखिए, जिन्होंने लाइक शेयर नहीं किया जल्दी से कर देना और इस चैनल पे पहली बार जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इसके अलावा भी आपके लिए अभी देखिए दोस्तों, कल से बहुत ही शानदार और महामैराथन क्लासेज चलने वाली है, जो कि आपको कल बता दिया जाएगा। ओके, एक तो देखिए कल सुबह आपके लिए जो रीजनिंग का सेशन है उसकी जगह हिंदी का सेशन होने वाला है, क्योंकि हिंदी का सेशन कल महामैराथन क्लास है, जिसमें आपको जो भी टॉपिक्स आपके हिंदी में उन सभी टॉपिक्स का एक साथ रिवाइज कराने वाले हैं सर। ओके, तो कल तो तैयार है ना, हिंदी के लिए भी और इंग्लिश के लिए भी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा आप, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के लिए, बताइए जल्दी से भीथोड़ा नामक स्थान किससे संबंधित है। भीथोड़ा आपने पढ़ा होगा, देखिए दोस्तों, जो राजस्थान में 1857 की क्रांति हुई थी ना, उस समय एक युद्ध हुआ था, भीथोड़ा का युद्ध, ठीक ना। एक तो चैलावास का युद्ध हुआ था और एक भीथोड़ा का युद्ध हुआ था। चैलावास का युद्ध तो 18 सितंबर को हुआ था, आपने पढ़ा होगा, और जो भीथोड़ा का युद्ध है ये 8 सितंबर को हुआ था, है ना। मैंने आपको कहा था कि दोस्तों ध्यान रखना, इन दोनों के बीच में 10 दिन का डिफरेंस था, तो ये भी आपको याद आया होगा। अब तो राइट आंसर बात करें यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है, ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। लिख लीजिए दोस्तों कब हुआ था, ये भी आप सभी को याद हो जाना चाहिए, 1857 को हुआ था, 8 सितंबर 1857 को ये युद्ध हुआ था। किसके मध्य हुआ था, जो आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह थे ना, कुशाल सिंह और अंग्रेज़ों के मध्य हुआ था, जिसमें भी आपने ये भी पढ़ा होगा जो आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह थे वो चैलावास के युद्ध में भी जीत गए थे और इस युद्ध में भी दोस्तों जीत हुई थी उनकी। ओके, चैलावास का युद्ध देखे दोस्तों 18 सितंबर को हुआ था, 18 सितंबर 1857 को, और इसे देखिए दोस्तों गोरो और कालू का युद्ध भी कहते हैं, ये भी आपने पढ़ा होगा। चलिए, ये जितने भी देखिए आपको बताए गए हैं ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आए हुए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर टू की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर टू है, राजस्थान के वे संत बताइए जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए थे और रामानंद जी के शिष्य बन गए थे, बताइए जल्दी से। राजस्थान के वे संत कौन है जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए हैं और रामानंद जी के शिष्य बन गए थे, राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिनका देखे दोस्तों हम बात करें यहाँ पे, जिनको क्या कहते हैं राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रणेता भी कहते हैं उनको, राजस्थान में भक्ति आंदोलन का प्रणेता। भी उन्हें कहा जाता है, राइट आंसर इस क्वेश्चन में हो जाएगा ऑप्शन डी संत धन्ना। ओके, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है, संत धन्ना जी, जिनका जन्म कहाँ पर हुआ था, इनका जन्म धुवन गांव है टोंक में, वहाँ पर हुआ था। धुवन गांव ये कहाँ पर है दोस्तों, टोंक जिले में पड़ता है, यहाँ पर देखिए इनका जन्म हुआ था, ये भी आप सभी को याद रखना है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और फिर देखिए दोस्तों ये जो कि रामानंद जी के शिष्य बन गए थे बाद में। क्वेश्चन नंबर तीन देखना, किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाइस ऑफ एग्जाम में कई बार पूछा हुआ एक क्वेश्चन है, किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी, राजस्थान से बाहर हुई थी, मगराम वेद देखे दोस्तों जिन्होंने स्थापना की थी 1938 में, अब तो आप सभी को याद आ गया होगा, बताइए जल्दी से एक बार थम्सअप कर दीजिए, सेशन को लाइक शेयर कर देना। यहाँ पे इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर प्रजामंडल। ओके, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना राजपूताना का एकमात्र प्रजामंडल था जिसकी स्थापना राजस्थान के बाहर की गई थी। क्वेश्चन नंबर फोर की बात करेंगे, चलिए क्वेश्चन नंबर फोर देखना, एक राजस्थान का ऐसा प्रजामंडल जिसकी स्थापना देखिए राजस्थान के ही जिले में की गई थी, लेकिन उस रियासत में नहीं की गई थी, बताइए कौन सा है, जैसलमेर है। ओके, कन्नड़देव प्रबंध का रचयिता कौन है, कानरदेव प्रबंध देखे दोस्तों ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था ग्रंथ, ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ साहित्य है, और राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताइए
इसको सही कर लेना, ऑप्शन सी। आपने भी देखा होगा कि ये क्या नाम आ रहा है ऐसा, आज तक तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। तो देखिए दोस्तों, पद्मनाभ है ऑप्शन सी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कानरदेव प्रबंध के रचयिता। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाँ, इस साहित्य में क्या है, जो अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर आक्रमण किया था ना, उससे पूरे आक्रमण की कहानी इसमें लिखी हुई है ना, ये आप सभी को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, 1191 और 92 में तराइन के युद्ध हुए थे। आप सभी ने पढ़ा है अच्छे से कि 1191 में तो तराइन का पहला युद्ध हुआ था और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। पहले युद्ध में देखे दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी। ओके, आपसे बोला जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है किस चौहान शासक को आक्रमणकारी साहबुद्दीन गोरी से लड़ना पड़ा था। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, काफ़ी आसान क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ऑप्शन देखिए दोस्तों, यहाँ पे सी होगा राइट आंसर अपना, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आप सभी के लिए, थार का क्लब वर्ष किसे कहते हैं। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे ही जाते हैं, थार का क्लब वर्ष किसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जिसे देखिए दोस्तों राजस्थान का गौरव भी कहते हैं। अब ये राजस्थान का गौरव, थार का क्लब वर्ष, या देखे दोस्तों राजस्थान का राज्य वृक्ष, ऐसे नामों से क्वेश्चन आ जाता है। खेजड़ी यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। खेजड़ी देखे दोस्तों, जिसको स्थानीय भाषा में जांटी भी कहा जाता है, ये भी आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। खेजड़ी को स्थानीय भाषा में जांटी के नाम से भी जाना जाता है, इसको कल्प तरु भी कहते हैं। राजस्थान का जो कल्प तरु है वो भी खेजड़ी को ही कहा जाता है, ये भी आप सभी को याद रखना है। ओके, इसका वैज्ञानिक नाम देखिए दोस्तों क्या है, प्रोसोपिस सेनेरिया है, ये भी आपने पढ़ा होगा। वैज्ञानिक नाम इसका क्या है, प्रोसोपिस सेनेरिया। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे। ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित है। आज के जो क्वेश्चन है आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट लगने वाले हैं, इसलिए इन सभी क्वेश्चनों को जल्दी से जल्दी रिवाइज कर लेना। ओके, लाइक शेयर क्लास को करते रहना। ट्रेंच कमीशन ये कहाँ पर किस आंदोलन में आया था, ट्रेंच कमीशन, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7। और यहाँ पे जो अपना राइट आंसर होगा वो बेंगू किसान आंदोलन होगा। ओके, बेंगू किसान आंदोलन ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा बी, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। कब हुआ था, 1921 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था चित्तौड़गढ़ ज़िले में। ओके, चित्तौड़गढ़ ज़िले में एक स्थान है जिसका नाम भी आपको ध्यान में रखना है, मेनाल नामक स्थान पर हुआ था दोस्तों। अच्छा, किसने नेतृत्व किया था, ये क्वेश्चन एग्जाम में हजारों बार पूछा हुआ है, राम नारायण चौधरी ने इसका क्या किया था, नेतृत्व किया था, ये भी आप सभी को याद रखना है। ओके, हाँ देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। इसी जो आंदोलन है, इसी में जो रूपाजी और करपाजी है वो शहीद हो गए थे। रूपाजी और करपाजी का नाम आपको ध्यान में रखना है, खास कर से इनके बारे में एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, रूपाजी और करपाजी किस किसान आंदोलन में शहीद हो गए थे, बेंगू किसान आंदोलन था। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलेंगे। पशुधन की दृष्टि से रथ क्षेत्र में किस नस्ल का बाहुल्य है, बताइए जल्दी से। रथ प्रदेशों में पशुधन की दृष्टि से, अच्छा रथ प्रदेश कौन सा होता है, हाँ रथ क्षेत्र देखिए वो जो इधर देखिए दोस्तों अलवर भरतपुर धौलपुर इधर का एरिया आता है, ठीक है ना, इधर का पश्चिमी भाग आता है इसमें। आपसे बोला जा रहा है, यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि किस नस्ल का बाहुल्य है, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा भैंस, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, भैंस में देखिए दोस्तों जो मुर्रा नस्ल है ना भैंस की, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है मुर्रा नस्ल के बारे में, ठीक है अच्छे से याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन सा था। राजस्थान का पहला चौहान राज्य, जब देखे दोस्तों मैंने आपको अभी 2-3 दिन पहले चौहान राजवंश के बारे में भी पढ़ाया था राजस्थान इतिहास में, उस समय भी देखिए आपने डिस्कस देखा होगा, सबसे पहले हमने किसकी बात की थी, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था अजमेर के चौहान, ठीक है ना, अजमेर, देखिए दोस्तों अजमेर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए राइट आंसर, जिसमें हमने डिस्कस किया था सांबर। ओके, प्रथम चौहान राज्य अजमेर में कौन सा था, सांबर था। सांबर का प्राचीन नाम सपाद दक्ष है, ठीक ना, ये भी ध्यान में रखना, सांबर का जो प्राचीन नाम वो क्या है, सपाद लक्स। ओके, अच्छा देखिए एक क्वेश्चन एग्जाम में फिर से आपको याद दिला रहा हूँ मैं, जो चौहान वंश का आदि पुरुष, मूल पुरुष या संस्थापक है सांबर के चौहान वंश का, ठीक ना, सांबर के चौहान वंश का जो आदि पुरुष,
मूल पुरुष या जिनको संस्थापक कहते हैं उनका नाम है वासुदेव चौहान। उनका नाम क्या है? वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान याद रखना। बाकी अजमेर की तो आपको पता होगा, अजमेर की स्थापना किसने की थी? अजय पाल ने की थी अजमेर की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, किस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है? सबसे छोटी और सबसे बड़ी दोनों आपको ध्यान में रखना है, ठीक ना? काफ़ी दिनों से ये क्वेश्चन आया है, बहुत दिनों से देखे दोस्तों हमने डिस्कस नहीं किया था ऐसा क्वेश्चन। चलिए, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटी तो किसके साथ में लगती है? पंजाब के साथ में 89 किलोमीटर की सीमा लगती है। और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के साथ में लगती है, कितने किलोमीटर की सीमा? 1600 किलोमीटर की सीमा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फिर। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, केला देवी का मेला कहाँ पर लगता है? काफ़ी आसान क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। केला देवी, ये देखिए दोस्तों, यादव वंश की कुल देवी है। ये क्या है? यादव वंश की कुल देवी है। ओके, बताइए केला देवी का मंदिर है जो कि कहाँ पर है? करौली में है, और यहीं पर है जो कि इनका मेला लगता है दोस्तों। लांगुरिया गीत क्या है? काफ़ी प्रसिद्ध है यहाँ का लांगुरिया गीत। ओके, लांगुरिया गीत, और एक और गीत है जिसका नाम देखिए दोस्तों क्या है? गुटखन नृत्य। नाम क्या देखिए उसका? गुटखन नृत्य है, एक नृत्य देखिए जो कि यहाँ का प्रसिद्ध है। ओके, लक्खी मेला यहाँ पे लगता है केला देवी का, लक्खी मेला। संत पीपा जी का जन्म किस जिले में हुआ था? संत पीपा जी के बारे में क्वेश्चन आया है, तो बताइए आप लोग जल्दी से, सभी को आंसर देना है कि ये संत पीपा जी है, इनकी गुफा कहाँ पर है? इनकी गुफा कहाँ पर है? इनका मूल नाम तो देखिए दोस्तों लिख लेना, इनका मूल नाम तो प्रताप सिंह था। अब बताइए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए और मूल नाम पूछ ले तो फिर क्या करोगे आप लोग? जिन्होंने पढ़ा है अच्छे से बिल्कुल बता सकता आंसर। अच्छा दोस्तों, हम बात करें यहाँ पे, इनकी छतरी भी है, इनकी छतरी गागरोन का जो किला है ना झालावाड़ में, गागरोन का किला झालावाड़ में, तो झालावाड़ में देखिए दोस्तों इनकी छतरी भी है, और झालावाड़ में इनका जन्म हुआ था गागरोन दुर्ग में। और इनकी गुफा कहाँ पर है? टोंक जिले में है, टोडा राय सिंह गाँव में। टोंक जिले के टोडा राय सिंह, लिखना चाहते हो क्या? लिख लीजिए। चलिए, टोडा राय सिंह गांव में है। ओके, टोडा राय सिंह गांव में इनकी क्या है? छत गुफा है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जो वृहत राजस्थान है ना, अरे जो बृहत्तर राजस्थान है उसका उद्घाटन इन्होंने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1948 में। देखिए दोस्तों, संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन सी यहाँ पे होगा अपना राइट आंसर। चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखना, सापा कहाँ का प्रसिद्ध होता है? जल्दी से, सापा है ये कहाँ का प्रसिद्ध है? सापा जोधपुर का प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, सबसे जनसंख्या में बड़ी रियासत, ये सब कुछ आपको करवा दिया है, ठीक है ना। एक बार वापस से रिकॉल कर लेंगे, सबसे प्राचीन रियासत तो दोस्तों मेवाड़ रियासत है, और जो सबसे नवीन रियासत है वो कौन सी है? झालावाड़ है। ओके, झालावाड़ क्या है? सबसे नवीन रियासत है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे, तो राजस्थान में देखिए क्षेत्रफल में सबसे बड़ी कौन सी है? क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ी रियासत है वो जोधपुर है। ओके, जनसंख्या में कौन सी है फिर? जनसंख्या में दोस्तों, जनसंख्या जयपुर। ओके, ठीक है। क्षेत्रफल में सबसे छोटी कौन सी है? शाहपुरा है। क्षेत्रफल में सबसे छोटी कौन सी है दोस्तों? शाहपुरा है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 देखना, पूर्व राजस्थान किस चरण का नाम दिया गया है? एकीकरण से क्वेश्चन एग्जाम में भी आएगा। देखिए एक क्वेश्चन एकीकरण से, एक क्वेश्चन 1857 की क्रांति से, एक क्वेश्चन आंदोलन से, एक क्वेश्चन प्रजामंडल से। ओके, पढ़ लेना, ये सब कुछ टॉपिक आपको करा दिए हैं वैसे। इसके अलावा राजस्थान हिस्ट्री के जो बाकी टॉपिक है उनसे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लासेज ली थी, सब कुछ आपको मिल जाएगी, देखना एक बार चैनल पर जाके, सब कुछ आपको करवा दिया है। पूर्व राजस्थान किस चरण का नाम दिया गया था? द्वितीय चरण का। ओके, पूर्व राजस्थान संघ, पूर्व राजस्थान या देखे दोस्तों राजस्थान संघ, या क्या था? राजस्थान संघ द्वितीय चरण का था। द्वितीय चरण 25 मार्च 1948 को। ओके,
25 मार्च 1948 को द्वितीय चरण था, और संयुक्त राजस्थान दोस्तों ये तृतीय चरण 18 अप्रैल 1948 को। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, वेद मंडन, शाकुन, शिल्पी मंडन, कोदंड मंडन और वास्तु मंडन ग्रंथों के रचयिता कौन है? ये देखिए दोस्तों, एक ही हो सकता है जिसका नाम है शिल्पी मंडन। ओके, कौन हो सकता है? शिल्पी मंडन हो सकता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। शिल्पी मंडन ये शिल्पकार था महाराणा कुंभा का। ओके, महाराणा कुंभा का क्या था? ये शिल्पकार था। और दोस्तों ध्यान रखना, देखिए ये शिल्पकार है जो महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था कुंभलगढ़ किला, उसका भी ये शिल्पकार है। ओके, मंडन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेना, राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार बताइए कितना है? पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार आपको बताना है कितना है, बताइए जल्दी से दोस्तों। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे थोड़ा सा ठीक कर लेना। इस क्वेश्चन में जो अपना राइट आंसर है वो देखिए दोस्तों आपसे क्या बोला जा रहा है, बताइए जल्दी से। अंतर पूछा जा रहा है, ठीक ना, अंतर पूछा जा रहा है कि पूर्व से पश्चिम में अंतर कितना है और उत्तर से दक्षिण में कितना अंतर है। तो लिख लीजिए, देखिए दोस्तों पूरा लिख लेना, 23° 3' उत्तरी अक्षांश से, 30° 12' उत्तरी अक्षांश है। एक तो लिख देते हैं, देखिए 23° 3', ओके, उत्तरी अक्षांश से 30° और 12' उत्तरी अक्षांश से, ठीक है। अब इन दोनों का अंतर अगर हम बात करें तो कितना होगा, 7° और 9' होगा, 7° 9' होगा दोस्तों। ओके, अरे लिख लिया सभी ने। इसी प्रकार दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे, एक देखे दोस्तों था गुरंतर डिग्री और 30' पूरी देशांतर से, 78° 17' पूरी देशांतर। ओके, 78' 17' पूरी देशांतर, तो इनका अंतर कितना होगा, इनका अंतर होगा देखिए दोस्तों लिख लेना, 8° और 47' ठीक है। दोनों क्वेश्चनों के बारे में ध्यान में रखना, तो 8° 47' और 7° 9' यहाँ पर देखे दोस्तों कहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ओके, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी देख लीजिएगा, राइट आंसर अपना हो जाएगा। अंतर पूछा जा रहा था यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपसे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है। जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया लाइक ज़रूर कर देना, आपके लाइक से काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। ये सभी क्लासेज आपके लाइक और सपोर्ट से ही हो पा रही है दोस्तों। ओके, विजयदशमी दशहरा त्यौहार किस तिथि को आयोजित किया जाता है? दशहरा राजस्थान का जो कोटा जिला है वहाँ का प्रसिद्ध है दशहरा। ओके, ये अश्विन की शुक्ला दशमी को यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है, अश्विन की शुक्ला दशमी को यहाँ पर मेले का आयोजन होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और दशहरे के दिन देखिए खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है, जो खेजड़ी का वृक्ष है उसकी पूजा की जाती है। 21 देख लीजिए अब, राजस्थान में शीशा की बारीकी कारीगरी के लिए प्रसिद्ध महल कौन सा है? शीशा की बारीक कारीगरी के लिए प्रसिद्ध महल बताइए कौन सा है, राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से। हाँ जी, जल्दी से आंसर देना, जूना महल, जूना महल है, ऑप्शन डी यहाँ पे होगा अपना करेक्ट आंसर। ओके, जूना महल कहाँ पर है, ये जूना महल कहाँ पर है, डूंगरपुर में है दोस्तों। कहाँ पर है, डूंगरपुर में, एक तो जूनागढ़ है एक जूना महल है, दोनों के बारे में गलत मत कर देना, ये कहाँ पर है दोस्तों, डूंगरपुर में है। चले अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके लिए प्रसिद्ध है, शीशे की बारीक कारीगरी के लिए, साथ में जो भित्ति चित्रों के लिए भी प्रसिद्ध है ये, ठीक है ना, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। एक देखिए अजीत महल का नाम आ रहा है, अजीत महल, इसका निर्माण जोधपुर में किया गया था, और जोधपुर में देखिए दोस्तों इसका निर्माण किसने करवाया था, महाराजा अजीत सिंह के द्वारा करवाया गया था, महाराज अजीत सिंह के द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, मेवाड़ चित्रकला शैली में मनोहर और साहिबुद्दीन नामक चित्रकार किस शासन के काल में थे, बताइए। कोई अच्छे लेवल का क्वेश्चन आ गया ना तो इस प्रकार से पूछा जाएगा। फिर मेवाड़ चित्रकला शैली का विकास किसके समय हुआ था, कुंभा के समय हुआ था, महाराणा कुंभा के काल में सर्वाधिक विकास हुआ था। ओके, आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि बताइए मनोहर और साहिबुद्दीन नामक चित्रकार किस शासक के काल में थे, तो यहाँ पर भी अपना राइट आंसर दोस्तों जगत सिंह प्रथम हो जाएगा, जगत सिंह प्रथम के समय। ओके, महाराणा जगत सिंह प्रथम को मेवाड़ चित्रकला का क्या कहते हैं, श्रवण काल कहते हैं। मेवाड़ चित्रकला का जो श्रवण काल कहते हैं वो महाराणा जगत सिंह प्रथम को कहा जाता है, ये भी सभी को याद रखना है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए।
क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है? राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल जो कि कौन सा है, राइट आंसर बताइए दोस्तों। राजस्थान का ही नहीं, देखिए इसे तो पूरे भारत का प्रथम हेरिटेज होटल होने का श्रेय प्राप्त है, गौरव प्राप्त है इसे। ओके, अजीत भवन है जोधपुर में, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा यहाँ पे राइट आंसर। डिग कहाँ पर है, भरतपुर में है। देखिए दोस्तों, महल और फवारों के लिए क्या है, ये प्रसिद्ध है। महल और फवारों के लिए क्या है, राजस्थान में जल महलों की नगरी डिग को कहते हैं। ओके, ये भी आपको याद आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 24 है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था, बताइए जल्दी से। बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था, बताइए राइट आंसर क्या होगा 24 में। ऑप्शन बी जवाहरलाल, ऑप्शन बी देखिए दोस्तों यहाँ पर है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाओं को किसके कारण कहा था, क्योंकि कृषि क्षेत्र में देखिए दोस्तों इनके कारण काफ़ी उन्नति हो रही थी, जो कृषि का क्षेत्र है उसमें काफ़ी ज़्यादा देखिए दोस्तों प्रोग्रेस हो रही थी, इसी कारण जवाहरलाल नेहरू ने ये देखिए दोस्तों संज्ञा दी थी कि ये तो क्या है, आधुनिक भारत के मंदिर है एक प्रकार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 देखना, बताइए जल्दी से कोलायत झील कहाँ पर है। कोलायत झील दोस्तों जहाँ पर क्या है, कपिल मुनि की तपोस्थली भी है, जहाँ पर क्या देखिए दोस्तों कपिल मुनि का मंदिर भी है, कपिल मुनि की क्या है तपोस्थली भी है। ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, तपोस्थली कहाँ पर है। अब होने को तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपको 40-45 क्वेश्चन करवाए जाते हैं, लेकिन अगर आप लोग ये क्लास देखते हो ना तो आपके लगभग 100 क्वेश्चन हो जाते हैं इस क्लास से, केवल देखिए दोस्तों आधे घंटे में 100 क्वेश्चन आप लोग रिवाइज कर रहे हो। तो ये मत सोचना कि यहाँ पर आके आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हो, बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। कोलायत झील कहाँ पर है, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बीकानेर जिले में है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आजकल थोड़ा फास्टली इसी कारण पढ़ाने लग गए, आपके एग्जाम काफ़ी पास में है तो हम देखे दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका, जो क्वेश्चन है उन केवल उन क्वेश्चन पर ही डिस्कस करने वाले हैं। राजस्थान में त्यौहारों का आगमन किस त्यौहार से मनाया जाता है, त्यौहारों का आगमन किस त्यौहार से मनाया जाता है। अच्छा, आपने सुना होगा कि तीज त्यौहारों बावड़ी ले डूबी गणगौर, ठीक है ना, मतलब तीजों से त्यौहार शुरू होता है और गणगौर पर कंप्लीट हो जाता है। ओके, गणगौर देखे दोस्तों त्यौहारों का अंत का सूचक होता है वैसे, तो तीज त्यौहार बावड़ी लेडूबी गणगौर, तो यहाँ पे तीज हो जाएगा, लेकिन तीज में भी ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे कि वैसाख होगा, सावन होगा, या भद्रपद होगा, या ज्येष्ठ होगा, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सावन की तीज, ऑप्शन बी, ठीक है ना, सावन की तीज ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, त्यौहारों का प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चलिए गणगौर की सवारी जयपुर में निकल जाती है। ओके, राजस्थान की सबसे प्राचीन क्वेश्चन तो आ गया ना, ये अभी डिस्कस किया था हमने, हाँ चलिए फिर देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आ गया था अभी। क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान का कौन सा प्राचीन रियासत कौन सी है, मेवाड़ रियासत है, जो भी अब जुड़े हैं उनको बता रहे हैं, प्राचीन रियासत मेवाड़ रियासत है। ओके, बताइए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 28 है, राजस्थान का कौन सा जिला है पाकिस्तान सीमा के साथ में सबसे अधिक लंबाई रखता है, सर्वाधिक सीमा उसकी जुड़ी हुई है, राइट आंसर दोस्तों एक ही जिला हो सकता है जो कि जैसलमेर जिला है। जैसलमेर जिला ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसकी सीमा कितनी है 464 किलोमीटर की सीमा लगती है। और वैसे अगर हम पाकिस्तान नल्ले की बात करें तो इसके साथ में देखिए जो राजस्थान की सीमा है वो 1070 किलोमीटर की लगती है, जिसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से भी जाना जाता है, जिसको क्या कहते हैं दोस्तों रेड क्लिफ रेखा के नाम से भी कहा जाता है। पाकिस्तान के साथ में राजस्थान के चार जिले लगते हैं, चारों जिले देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर। अच्छा देखिए दोस्तों सबसे कम सीमा बीकानेर के साथ में लगती है 168 किलोमीटर की, जो सबसे कम सीमा है वो बीकानेर के साथ में 168 किलोमीटर की लगती है, ये भी आप सभी को याद रखना है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 देखना, क्वेश्चन नंबर 29 है, मध्यकाल में राजस्थान की पहली महिला महंत कौन थी, बताइए जल्दी से, राजस्थान की पहली महिला महंत कौन थी, बताइए जल्दी से करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 चल रहा है, सहजोबाई, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए कौन है, सहजोबाई, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 30 देखना। क्वेश्चन नंबर 30 है, विश्व के एकमात्र ऐसा कौन सा हिरण है जिसके नर के 4 सिंह होते हैं? यह मृग केवल भारत में ही पाया जाता है, यह मृग केवल भारत में ही पाया जाता है और जिसके नर में 4 सिंह होते हैं। करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे? चौसिंगा। ओके, चौसिंगा, देखिए ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। कहाँ पर है ये देखिए, बात करें दोस्तों तो ये राजस्थान का जो प्रतापगढ़ में है ना, सीता माता अभियान है, सीता माता अभियान है, सीता माता अभियान में पाए जाते हैं। कृष्ण मृग, कृष्ण मृग के बारे में कल आपको क्वेश्चन दिया गया था, कृष्ण मृग कहाँ पर पाए जाते हैं? ताल छापर में पाए जाते हैं, ताल छापर, ताल छापर और जो सीता माता है इनके बारे में तो आपको ध्यान में रखना है। ताल छापर चूरू में है, सीता माता देखिए दोस्तों प्रतापगढ़ में है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 देखना। लेकिन आप लोगों ने क्लास को लाइक शेयर काफ़ी कम किया है, ये बहुत ही गलत बात है। देखिए इतना शानदार आपके लिए सेशन लेके आते हैं लेकिन आप लोग जब लाइक शेयर नहीं करते हो तो मज़ा नहीं आता फिर क्लास में। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करेंगे तो फटाफट से एक बार सेशन को प्लीज़ देख के सेशन को लाइक करना है। वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी बताइए जल्दी से? कहाँ पर देखे, कन्फ्यूज होने वाला क्वेश्चन है क्योंकि 1919 और 1920 इन दोनों में कन्फ्यूज होते होंगे। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी। वर्धा महाराष्ट्र में कब हुई थी? 1919 में। ऑप्शन ए यहाँ पे होगा अपना करेक्ट आंसर। 1920 में राजस्थान के अजमेर जिले में हुई थी, ठीक ना। 1920 में कहाँ पर हुई थी? राजस्थान के अजमेर जिले में की गई थी, ये भी आप सभी को ध्यान में रखना है, ठीक है। विजय सिंह फतिक की यहाँ पर जो अहम भूमिका थी वो थी देखे तो, है ना, राजस्थान सेवा संघ में। वैसे देखे दोस्तों विजय सिंह फतिक के अलावा और भी थे, केसरी सिंह भारत है, अर्जुन लाल सेठी है, लेकिन जो विजय सिंह फतिक है उनकी महंत भूमिका यहाँ पे थी। साथ में 1920 वाले में तो देखिए केवल विजय सिंह फतिक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखना आप, वह कौन सी सभ्यता है जहाँ पर पत्थर के बांधों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? पत्थर के बांधों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं जिसको कहते हैं ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी? ये देखिए दोस्तों ये आपके लिए क्या है, हिंट भी है और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, समझ लेना। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। अब तो आंसर दे दीजिए। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे पर स्थित है, राजस्थान के सीकर जिले में नीम का थाना तहसील है वहां पर है दोस्तों। ओके, क्लियर, नीम का थाना तहसील में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 है, राजस्थान का पर्यटन विभाग का लोगो क्या है? लोगो देखे दोस्तों ये चेंज होता रहता है, जब सरकार चेंज हो जाती है तो लोगो भी चेंज हो जाता है। हाँ, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा केसरिया बलम फदरो नी मारे देश, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले अतुल्य राजस्थान भी था, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। राजस्थान का पर्यटन विभाग का लोगो क्या है? केसरिया बलम फदरो मारे देश। क्वेश्चन नंबर 34, किस शासक को उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर अकबर ने फर्जन और राजा की उपाधियां प्रदान की थी? अगर आपने ये राजस्थान हिस्ट्री का दो तीन क्लासेज हुई थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वो देखी है तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी का राइट होना चाहिए। फिर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर ने फर्जंद और राजा की उपाधि किसे दी थी? राजा मान सिंह को दी थी, और जो मनसब भी दिया था दोस्तों 7000 मनसब, ठीक ना, 7000 का मनसब भी दिया था, ये भी आपने पढ़ा होगा, राजा मान सिंह को। ऑप्शन ए यहाँ पे होगा अपना करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए, बनी ठणी इम्पोर्टेंट है, बनी ठणी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसे भारत की मोनालिसा कहते हैं। किसने कहा था? एरिक डिक्सन ने कहा था। नाम ध्यान रख लेना इस आदमी का, क्या पता ये आदमी आपके जो एग्जाम है उसमें आ जाए, क्वेश्चन आ जाए, आदमी तो कैसे आएगा, ठीक है। एरिक डिक्सन देखिए दोस्तों इसे भारत की मोनालिसा कहा है। नाम है देखिए दोस्तों किशनगढ़ शैली, और बनी ठणी का के बारे में आप सभी को ध्यान में रखना है। इसका निर्माण किसने किया था? निहाल चंद ने किया था, निहाल चंद जिसको देखिए मोर धवज निहाल चंद कहा जाता है, जिसे मोर धवज निहाल चंद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेना आप, क्वेश्चन नंबर 36 है, मध्यकालीन राजस्थान में सामाजिक बुराइयों को दूर करने में प्रमुख योगदान किसने दिया था बताइए जल्दी से? सामाजिक बुराइयों को दूर करने में प्रमुख योगदान था संत दादूदयाल जी का, और संत दादूदयाल जी की जो पीठ है वो देखिए दोस्तों कहाँ पर है? नारायणा देखिए दोस्तों जिस और नेरना, ठीक ना, कहाँ पर है? जयपुर में है।
प्रधान पीठ कही जाती है। संत दादू दयाल जी की, संत दादू दयाल जी की, ओके। संत दादू जी के कितने शिष्य थे? 52 शिष्य थे, 52 इनके शिष्य थे जो 52 स्तंभ कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर 37, चित्तौड़गढ़ में विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना कब की गई थी? चित्तौड़गढ़ में विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना विजय सिंह फतिक और एक दोस्तों एक व्यक्ति और थे जिनका नाम क्या है? हरिभाई। हरिभाई आगे बताइए दोस्तों, किंकर। हरिभाई किंकर, ठीक ना, हरिभाई किंकर थे। तो हरिभाई किंकर है जो कि देखिए दोस्तों जो राजस्थान सेवा संघ है उनमें भी देखिए विजय सिंह फती के साथ इन्होंने काम किया था। राजस्थान सेवा संघ अभी हमने डिस्कस किया था ना, जिसमें मैंने आपको बताया था कि विजय सिंह फतिक, केसरी सिंह बारट, अर्जुन लाल सेठी, एक और व्यक्ति थे, टोटल 4 व्यक्ति थे, एक हरिभाई किंकर है। तो विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना हरिभाई किंकर और विजय सिंह फती के द्वारा की गई थी 1914 ईस्वी में। ऑप्शन ए यहाँ पे होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेना, जौहर मेला कहाँ पर लगता है? अरे जौहर कहाँ पर हुआ था? जौहर देखे दोस्तों राजस्थान में जौहर मेला चित्तौड़गढ़ में लगता है, ओके। चित्तौड़गढ़ में रानी पद्मिनी ने किया था ना, अभी तो पढ़ा था मैंने कुछ दिनों पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 है, राजस्थान के इतिहास को लिखने का सबसे पहला श्रेय, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, राजस्थान के इतिहास को लिखने का सबसे पहला जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है? बताइए जल्दी से, राजस्थान के इतिहास को लिखने का सबसे पहला श्रेय जो कि दिया जाता है मुणोत नयन सिंह को। मुणोत नयन सिंह को, ऑप्शन यहाँ से होगा बी, मुणोत नयन सिंह को दिया जाता है। देखिए दोस्तों इनकी पुस्तकें भी है, एक तो कौन सी है? मुणोत नयन सिंह री ख्यात, और एक कौन सी है? मारवाड़ रा प्रगनारी विगत, ओके। अरे कौन सी है? मारवाड़ रा प्रगनारी विगत, ओके। राजस्थान का अबुल फजल इन्हें कहा जाता है। मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था कि जो मुणोत नयन सिंह है आपको क्या कहेंगे? राजस्थान का अबुल फजल कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देखना, क्वेश्चन नंबर 40 है, बताइए राजस्थान में पहली रेल बस सेवा कहां से प्रारंभ हुई थी? राजस्थान में जो पहली रेल बस सेवा है ये कब शुरू हुई थी? 1994 के जो महात्मा गांधी जी की जयंती आती है ना 2 अक्टूबर को, तो 2 अक्टूबर 1994 को ये शुरू की गई थी राजस्थान में पहली रेल बस सेवा, मेड़ता सिटी से मेड़ता रोड के मध्य ये शुरू हुई थी। और ये दोनों कहाँ पर है? राजस्थान का जो नागौर गांव है ना वहाँ पर है, देखिए दोस्तों नागौर जिला वहाँ पर है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला 41, मालदेव के बाद में मारवाड़ का शासक कौन बना था? बताइए जल्दी से, मालदेव के बाद में मारवाड़ का शासक कौन बना था? मालदेव इसके बाद में मारवाड़ का शासक कौन बना था? तो मालदेव के बाद में देखिए मारवाड़ का शासक बना था इसी का जो पुत्र है राव चंद्र सेन। राव चंद्र सेन, ऑप्शन डी यहाँ पे होगा राइट आंसर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला, राव चंद्र सेन के बारे में एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है राव चंद्र सेन के बारे में आपने क्या पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं, राजस्थान का वह कस्बा जो अपनी हवेलियों के कारण सेकावटी की श्रवण नगरी कहलाता है, बताइए कौन सा है? हाँ आपने पढ़ा होगा जो हवेलियों के कारण, देखिए सेकावटी की हवेलियाँ तो काफ़ी प्रसिद्ध है राजस्थान में, ओके। और एक कौन सा कस्बा है जिसके कारण अपनी हवेलियों के कारण सेकावटी की श्रवण नगरी कहलाता है? राइट आंसर उसका हो जाएगा नवलगढ़ है, ये सीकर में है दोस्तों, ओके। ये कहाँ पर है? राजस्थान के सीकर जिले में है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए, सेकावटी की श्रवण नगरी भी इसे कहते हैं, हवेलियों का नगर भी इसे कहा जाता है। राजस्थान में संभावित वाष्पन वाष्प उत्सर्जन की वार्षिक दर, पहले वाष्पन वाष्प उत्सर्जन और उसके बाद में वार्षिक दर, सबसे अधिक और सबसे कम किन जिलों में पाई जाती है? देखिए वाष्प उत्सर्जन की वार्षिक दर सबसे अधिक कहाँ पर पाई जाती है? सबसे पहले तो ये डिस्कस करें तो सबसे अधिक तो जैसलमेर में पाई जाती है। सबसे अधिक कहाँ पर पाई जाती है? जैसलमेर में। सबसे कम कहाँ पर पाई जाती है? डूंगरपुर में। सबसे कम कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? डूंगरपुर में पाई जाती है। और हम किस ऑप्शन पर जाएंगे? हम जाएंगे ऑप्शन सी पर, जैसलमेर में सबसे ज़्यादा और बांसवाड़ा डूंगरपुर में सबसे कम, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे,
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। काजरी का संबंध किस जिले से है? काजरी का संबंध किस जिले से है? तो ऐसा करते हैं, ये क्वेश्चन जिसके बारे में थोड़ा सा देखिए मैं आपको डिस्कस बता देता हूँ। काजरी का जो पूरा नाम है वो केंद्रीय शुष्क मरु अनुसंधान केंद्र है। किस जिले से है ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, और इसकी स्थापना 1959 में की गई थी, जिसको राजस्थान की सन सिटी कहते हैं। ये आपके लिए थोड़ा हिंट है जिनको नहीं पता उनके लिए, और जिनको पता है उनको तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड सब कुछ जानकारी आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आई होप आप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक तो आप सभी को करना ही है, साथ में आप लोग मुझे पता है शेयर नहीं करते, तो प्लीज़ देखिए दोस्तों इस क्लास के लिए अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना। ओके, आप शेयर करोगे मतलब देखिए दोस्तों आप दूसरों का भला कर रहे हो। अगर दूसरों का भला करोगे तभी तो देखिए आपका भला होगा, आपने पढ़ा होगा सुना होगा। ओके, तो कर दीजिए फिर देखिए दोस्तों, शेयर कर देना, लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जो घंटी है उसको दबा देना। काफ़ी विद्यार्थी बोलते हैं सर हमें इस बेल आइकन का नोटिफिकेशन नहीं आता, कैसे आएगा? देखिए दोस्तों इस घंटी को आप लोग दबाते ही नहीं हो तो कैसे आएगा, ठीक ना। चलिए फिर सेशन को एंड करते हैं। आई होप आप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपनी कल वाली क्लासेज में। अच्छे से शानदार तरीके से तैयारी कीजिए, इस बार आपको सिलेक्शन लेना है ये सोचकर तैयारी करना आपको, ठीक ना। चलिए, थैंक यू सो मच।